दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए ताकि हर टेक से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्जवल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल में। दोस्तों एक काफ़ी बेहतरीन अपडेट आ रहा है जियो की तरफ से। जी हां दोस्तों, उनके कुछ 3 प्लान सामने आए हैं जो कि आपको 12 अगस्त जो एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली 2019 की 12 अगस्त को उसमें आपको देखने को मिल सकता है। कौन से वो 3 प्लान है बहुत जल्दी बहुत क्विकली इस वीडियो में बताऊंगा। जाने के इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको ऑफर देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब 12 अगस्त 2019 को जो मीटिंग होने वाली है, जो हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती है रिलायंस जियो की, उसमें कुछ ना कुछ नए ऑफर्स, नए सर्विसेज, नए यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं एज एक्सपेक्टेड ओनली। मतलब मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ एक लीक सामने जिसमें कि कुछ 3 प्लान बताए गए हैं। अब आपको पता है बेसिकली जो जियो का ब्रॉडबैंड मतलब जियो का गीगा फाइबर जो होने वाला है उसका जो मतलब अभी काफ़ी बीटा मतलब एक तरीके से आप टेस्टिंग ही चल रही है, लेकिन उसको एज ए कमर्शियली बहुत जल्दी यहाँ पर जियो लाने वाला है, जो कि बताया जा रहा है कि 12 अगस्त 2019 को ही जियो का जो गीगा फाइबर जो कमर्शियली यूज़ है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। कैसे क्या मे बी हो सकते हैं प्लान्स हो सकते हैं या आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है जियो गीगा फाइबर या जियो ब्रॉडबैंड सर्विस में, बताया जा रहा है कि 3 प्लान होंगे, 3 प्लान होंगे बेसिकली। जो ये प्लान होंगे वो दोस्तों होंगे मतलब ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जो प्रीपेड प्लान जो अभी अवेलेबल हैं कुछ यहाँ पर जो रिलायंस जियो के सिम के लिए उसमें भी कुछ चेंजेस हो सकता है, मतलब कोई कंफर्म नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्लान आए गीगा फाइबर को लेकर कि पहला जो प्लान होने वाला उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जियो गीगा फाइबर की ही सर्विस मिलने वाली, मतलब ओनली ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं मिलने वाला है। थर्ड जो प्लान होगा उसमें बेसिकली आपको जियो का जो ब्रॉडबैंड सर्विस है जियो गीगा फाइबर सर्विस प्लस आपका जो जियो गीगा टीवी सर्विस है वो आपको देखने को मिल सकती है उस प्लान में। अब जियो गीगा टीवी का भी कुछ लीक हुआ था प्लान जिसमें कि बताया जा रहा था कि HD प्लस HD चैनल के लिए आपको पे करने होंगे 400 रुपये, इसमें सभी चैनल्स आपको दिखाए जाएंगे जितने भी जियो टीवी में अवेलेबल है, करीबन 600 से ज़्यादा चैनल आपको जियो गीगा टीवी में भी देखने को मिलेंगे। HD प्लस HD चैनल के पैक के लिए आपको 400 देने पड़ेंगे और सिर्फ HD चैनल के लिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये कुछ प्लान है कि जियो गीगा, अगर आप सेकंड प्लान लेते हो जियो गीगा फाइबर के साथ में आपको जियो गीगा टीवी भी मिलेगी, जो कि काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। और थर्ड प्लान यहां पर बताया जा रहा है कि साथ ही साथ आपको जियो गीगा फाइबर भी मिलेगा, जियो गीगा टीवी की सर्विस भी मिलेगी और IoT जो यहां पर आपका सर्विस है वो भी आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आपने स्मार्ट जो डिवाइसेस है आप उनको कंट्रोल कर पाओगे। तो ये कुछ मिलेगा, लेकिन वो काफी मतलब जो प्राइस होगा उसका वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो स्मार्ट यूजर्स के लिए हो जाएगा। तो बेसिकली जो उसका प्लान होगा वो भी कम से कम 1000 रुपीज के तक करीबन बताया जा रहा है। और जो सबसे पहला जो मैंने बताया था कि खाली ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलेगा, जो गीगा टीवी वाला होगा उसमें करीबन 600 रुपए तक का प्लान बताया जा रहा है। ये सब लीक्स है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज ये है कि जो तीनों ही प्लान होने वाले, मतलब जियो गीगा टीवी होने वाला है, जियो गीगा फाइबर होने वाला है या जियो का जो IoT होने वाला है, उन सभी में एक चीज मैंडेटरी है, मतलब एक चीज तो जरूर दी जाएगी जो कि है लैंडलाइन कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, लैंडलाइन कनेक्शन आपको सभी प्लान्स में मिलने वाला है। तो ये अपडेट है जियो गीगा फाइबर का, देखते हैं 12 अगस्त 2019 में क्या रखता है एनुअल जनरल मीटिंग में। मुकेश अंबानी जी कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेके आने वाले, कुछ ना कुछ नई चीजें देखने को मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि जियो फोन 3 भी आ सकता है, जो कि एक स्मार्टफोन नहीं होगा, मे बी फीचर फोन ही होगा। देखते हैं 12 अगस्त को क्या होता है। ये कुछ अपडेट था, मैंने बता दिया ये सिर्फ लीक्स था, कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं थी, लेकिन दोस्तों अपडेट आया था तो मेरा वो मतलब फर्ज बनता है, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, कमेंट करना आपका काम है, लाइक करना शेयर करना भी आपका ही काम है। तो वीडियो को अच्छी लगी हो अगर वीडियो आप लोग को, तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस दौरान टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।